हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको नारियल का बुरादा बनाना बताऊंगी, जो घर घर में आसानी से बना सकते हैं। बाजार से लाते हैं तो उनको बहुत महंगा भी मिलता है और कहीं कहीं जल्दी से मिलता भी नहीं है। तो ये देखिए, जो तीन बॉल आंखें बनी रहती है आईज, उनमें से एक ही जो बड़ा वाला आईज होता है, ये हम इसको छेद कर लेंगे। इसका सारा पानी यहाँ से ऐसे देखिए ऐसे निकाल लेंगे, फिर ये आसानी से हम इसको किसी भी तरह से तोड़ सकते हैं। ऐसे थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अच्छा सा पानी आराम से निकल आता है, गंदा भी नहीं रहता है। सारा पानी निकाल लिया है, अब हम इसको फोड़ लेंगे हथौड़ी की मदद से, और इसको फिर हम ऐसे थोड़ा थोड़ा सब तरफ ऐसे ऐसे ठोक देंगे और आराम से इसको ऐसे करके चाकू की मदद से निकाल लेंगे ऐसे ऐसे। तो ये मैंने सारे निकाल लिए हैं। अब हम इनका ये जो ऊपर का ब्लैक वाला छिलका है ऊपर का, इसको हम चाकू से या फिर ये ऐसा जो छिलनी होती है, इससे हम ऐसे छिलनी से छिलका छील देंगे। ये देखिए, मैंने सारा ये छिलका निकाल दिया, ऊपर का ब्लैक वाला पार्ट। अब हम इसको छोटे छोटे पीसेज में ऐसे से काट लेंगे। सारे मैंने काट लिया, इसको हम थोड़ा थोड़ा ऐसे मिक्सर जार में डाल के पीस लेंगे। ये देखिए, मैंने सारा पीस लिया है, ये कितना अच्छा बन गया है। अब हम एक पैन या कढ़ाई लेंगे, गैस पे रख के गरम कर लेंगे। उसमें ये कोकोनट डाल के इसको सुखा लेंगे, इसे चलाते रहेंगे इसको, जले ना। नॉन स्टिक कढ़ाई होगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ऐसे हम सुखाते रहेंगे इसको, हम ऐसे मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए इसको सुखाते रहेंगे। ये देखिए कितना सूख गया है। देखिए, ये डेसिकेटेड कोकोनट तैयार है। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप इसको थोड़ा सा ऐसे जब सूख जाएगा तो फिर गैस बंद करके थोड़ा ऐसे बाद में सुखा लीजिएगा, ठंडा होने दीजिएगा। फिर उसके बाद एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दीजिए, और जब आपका मन हो तो इससे लड्डू या बर्फी आप कुछ भी बना सकते हैं। थैंक यू।